हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मेटलर्जी ओर और टाइप्स ऑफ ओर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में स्टडी करेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ ओर। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यहाँ पर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन एक प्रोसेस का नाम है। अब कैसा प्रोसेस है? तो कंसंट्रेशन इज द नेम ऑफ ए प्रोसेस फ्रॉम विच वी रिमूव आउट द कंटेनिंग इंप्यूरिटीज और कंटेनिंग अर्थ पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यानी ओर में जो अर्थिक पार्टिकल्स मौजूद होता है, इंप्रिटीज मौजूद होता है, इन सभी अर्थिक पार्टिकल्स और इंप्रिटीज को निकालने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का नाम देते हैं। ठीक है, हेंस वी कैन से कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज द नेम ऑफ ए प्रोसेस फ्रॉम विच वी कैन रिमूव आउट द कंटेनिंग इंप्रिटीज और अर्थिक पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर। द प्रोसेस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब कह रहे हैं यहां पर कि इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर से हम इस अर्थिक पार्टिकल्स और इंप्रिटीज को बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम दो मेथड अप्लाई करते हैं। एक मेथड होता है फिजिकल मेथड और दूसरा मेथड होता है केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड में ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम लिचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, और फिजिकल मेथड से ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और लिचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके, लेकिन आज हम लोग केवल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड नाम से पता चल रहा है, फ्रोथ का मतलब क्या होता है? फ्रोथ का मतलब होता है झाग, यानी झाग के फॉर्मेशन से ओर को कंसंट्रेट करना। ठीक है, तो आखिर झाग के फॉर्मेशन से हम ओर को कंसंट्रेट कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में ही जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या है। तो याद रखना है, जनरली फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड ओर कह रहे हैं यहां पर कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है जनरली सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय, तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, मेनली सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लीजिए, है ना, कि आखिर सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहां अराइज हो रहा है कि आखिर सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहे सल्फाइड ओर जो होता है वो क्या होता है? लोअर डेंसर ओर होता है। सल्फाइड ओर एक लोअर डेंसर ओर है। ठीक है, और इसमें कंटेनिंग इंप्रिटीज जो होता है वो हायर डेंसर होता है। ठीक है, यानी कह रहा है यहां पर कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज फॉर दैट टाइप ऑफ ओर विच इज लोअर डेंसर एंड द कंटेनिंग इंप्रिटीज इज हायर डेंसर। ठीक है, जिसमें इंप्रिटीज जो होता है वो हायर डेंसर होता है और ओर जो होता है वो लोअर डेंसर होता है। ठीक है, यानी लोअर डेंसर ओर जिसमें हायर डेंसर ओर
हाइयर डेंसर इनपुट मौजूद होता है उसे कंसंट्रेट करने के लिए हम प्रोब प्रोडक्शन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक रीजन तो ये आपको समझ में आया कि लोअर डेंसर ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम प्रोब प्रोडक्शन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन हमारे क्या याद रखना है, ठीक है, कि ये जो सल्फाइड ओर होता है सबसे पहले तो लोअर डेंसर ओर होता है, दूसरा चीज याद रखना है कि ये जो सल्फाइड ओर है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। अब आप ये कहिएगा कि हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक वर्ड होता है हाइड्रो और दूसरा वर्ड होता है फोबिक। ठीक है, यानी हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, हाइड्रो और फोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है रिपल्सिव, है ना, फोबिक मीन्स रिपल्सिव, यानी इसका मतलब होता है वाटर रिपल्सिव। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर रिपल्सिव, यानी ये जो सल्फाइड ओर होता है वो लोअर डेंसर होता है, लोअर डेंसर के साथ साथ हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया, ये वाटर रिपल्सिव होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि वैसा ओर विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वैसा ओर विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर कैन बी कंसंट्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ फ्रोथ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, अब आपको यह समझ में आया होगा कि फ्रोथ प्रोडक्शन मेथड इज मेनली यूज फॉर दैट टाइप ऑफ ओर हुज डेंसिटी इज लो, जिसका डेंसिटी लो होता है। ठीक है, और वैसे ओर के लिए विच इज हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, वैसा ओर जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है उस ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम प्रोब प्रोडक्शन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली याद रखना है कि ओर जो होता है वो जनरली हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है और इसमें जो कंटेनिंग इंप्योरिटीज होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। इसी कारण हम आपको बताएं कि वैसा ओर विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर कैन बी कंसंट्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ प्रोब प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, अब आपको यह समझ में आ चुका होगा फ्रोब प्रोडक्शन मेथड में हम सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोअर डेंसर होता है, दूसरा क्या हो गया, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये वाटर रिपल्सिव होता है। ठीक है, इसी कारण जो है हम सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेट बाय द हेल्प ऑफ फ्रोब प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन में क्या अराइज हो रहा है, ये अराइज हो रहा है कि आखिर ये फ्रोब प्रोडक्शन मेथड से सल्फाइड ओर को हम कंसंट्रेट करेंगे कैसे। ठीक है, ये तो हो गया क्यों किया जाता है, सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट फ्रोब प्रोडक्शन मेथड से क्यों किया जाता है, अब ये जानना है कि आखिर कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि आखिर सल्फाइड ओर को फ्रोब प्रोडक्शन मेथड से कंसंट्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ विल आई कंसंट्रेट सल्फाइड ओर बाय द हेल्प ऑफ फ्रोब प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या करना है, तो कह रहे हैं सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम फ्रोब प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं। इस मेथड में क्या करना होता है, ये जो सल्फाइड ओर है हम क्या करते हैं, इसका पाउडर फॉर्म देते हैं। ठीक है, यानी सल्फाइड ओर को सबसे पहले क्या किया जाता है, पाउडर कर लिया जाता है। ठीक है, अब इस पाउडर फॉर्म सल्फाइड ओर को, यानी पाउडर फॉर्म सल्फाइड ओर को ठीक है मिक्स किया जाता है किसके साथ, कुछ सुटेबल केमिकल सब्सटेंस के साथ। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले कह रहा है पाउडर सल्फाइड ओर इज मिक्स्ड विथ सुटेबल ऑयल, इसे सबसे पहले सुटेबल ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है। यहां पर सुटेबल ऑयल के रूप में हम किसका यूज करेंगे, फाइन ऑयल का, या हम कह सकते हैं तारपीन ऑयल। ठीक है, यानी कह रहा है कि पाउडर और सल्फाइड और इज मिक्स्ड विथ सुटेबल ऑयल। ठीक है, सुटेबल ऑयल के रूप में किसका यूज करेंगे, फाइन ऑयल और तारपीन ऑयल। दूसरा क्या हम किसका यूज कर रहे हैं, दूसरा यूज कर रहे हैं सोडियम इथाइल जैंथेट। नेक्स्ट हम किसका यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल क्रिसॉल। ठीक है, और इसके साथ साथ इन सभी को, यानी पाउडर सल्फाइड ओर इज मिक्स्ड विद सुटेबल ऑयल, सोडियम इथाइल जैंथेट इथाइल अल्कोहल क्रोसिन, और इन सबके हम क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि पाउडर सल्फाइड ओर इज मिक्स्ड फ्रॉम दिस केमिकल सब्सटेंसेस इन वाटर इन ए टैंक। ठीक है, यानी सल्फाइड ओर को इन सभी के साथ एक वाटर में हम क्या करते हैं, है ना, एक टैंक में क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, वाटर में हम क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं इन सभी केमिकल सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद।
ठीक है, यानी पाउडर ओर इज मिक्स्ड विद सूटेबल बाइल, सोडियम इथाइल ज़ेंथेन, इथाइल अल्कोहल क्रोसिल और वाटर, इन सभी को मिक्स करके हम क्या करते हैं, इसे किसी टैंक में डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, है ना। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, अब एक चीज और याद रखना है, ये जो सूटेबल बाइल होता है, ये जो सूटेबल बाइल होता है, इसे हम क्या करते हैं, फ्रोथ, फ्रोथ क्रिएटिंग एजेंट का नाम देते हैं, ठीक है, इसे हम फ्रोथ क्रिएटिंग एजेंट का नाम देते हैं। ये जो सूटेबल वायल होता है ये क्या कहलाता है, फ्रोथ क्रिएटिंग एजेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट फ्रोथ, ठीक है, ये फ्रोथ के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, ठीक है। ये फ्रोथ का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके कारण होता है, सूटेबल वायल, डर्मिस पाइन वाल और टार्पिन वाल के कारण होता है, ठीक है। दूसरा चीज याद रखना है यहाँ पर, ये जो सोडियम इथाइल ज़ेंथेट है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रोथ कलेक्टर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या नाम दिया जाता है, फ्रोथ कलेक्टर का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसे फ्रोथ कलेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो इम्प्रिटीज वगैरह होता है या जो ओर वगैरह होता है, ठीक है, जो सुटेबल प्रॉपर्टी को शो करता है, जैसे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक नेचर है ना, तो ओर अगर हाइड्रोफोबिक ही नेचर होगा तो इसका मेन काम क्या होता है कि ये सुटेबल वायर, ठीक है, क्योंकि ये सुटेबल वायर जो होता है, ये सुटेबल वायर जो होता है ये भी क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। वाल जो होता है एक हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बार डिजोल्व नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, ये भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर में डिजोल्व होता है, ठीक है, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, इसलिए करेंगे जो सुटेबल वायल होता है, ये जो सुटेबल वायल होता है, इस सुटेबल वायल में हाइड्रोफोबिक ओर जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से अटैच हो जाता है, स्टिच कर जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या, ये सोडियम इथाइल ज़ेंथेट जो होता है, जिसे हम फ्रोथ कलेक्टर का नाम देते हैं, ये क्या करता है, ये क्या करता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक ओर को, हाइड्रोफोबिक ओर को इस वायल से क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है ना, जोड़ने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोफोबिक ओर जो होता है, इट इज अटैच, इट इज फिक्स्ड विद सूटेबल वायल, ये सूटेबल वायल से क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो चिपकाने का काम कौन करता है, तो सोडियम इथाइल ज़ेंथेट करता है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ये जो इथाइल अल्कोहल क्रोसिल है, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, ये जो तुम आपका दिया हुआ है, ये फ्रोथ के फॉर्मेशन के टाइम पीरियड को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, इट इंक्रीज, ये क्या करता है, इट इंक्रीज द, इट इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड ऑफ फ्रोथ, टाइम पीरियड ऑफ फ्रोथ, ठीक है। इसी कारण इसे फ्रोथ स्टेबिलाइजर का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसे फ्रोथ स्टेबिलाइजर का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो इथाइल अल्कोहल है, किरोसोल है ना, ये सब जो होता है वो फ्रोथ स्टेबिलाइजर का काम करता है, मतलब क्या है कि इट इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ फ्रोथ, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, यानी अब क्या करता है, इन सभी सब्सटेंस को, इन सभी सब्सटेंस को एक टैंक में वाटर के साथ क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद क्या होता है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, एक टैंक बना रहे हैं, ठीक, वाटर टैंक है ना। इस वाटर टैंक में, इस वाटर टैंक में क्या क्या मौजूद है, तो सबसे पहले इसमें पाउडर और मौजूद है, पाउडर और सल्फाइड और, ठीक है, पाउडर सल्फाइड और मौजूद है, प्लस इसके साथ क्या, सुटेबल वायल मौजूद है, सुटेबल वायल मौजूद है, पाइन वायल या तारपीन वायल, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या मौजूद है, सोडियम इथाइल ज़ेंथेट मौजूद है, ठीक है, प्लस इसमें क्या मौजूद है, इथाइल अल्कोहल या क्रोसॉल, इथाइल अल्कोहल है ना, या हम कह सकते हैं क्रिसॉल, ठीक है, चाहे इथाइल अल्कोहल या क्रिसॉल अरेंज करें, इसके साथ साथ ये सब किससे मिक्स है, वाटर में मिक्स है, ठीक है। यानी इस टैंक में क्या है, ये सब चीज मौजूद है, ठीक है, ये सब चीज मौजूद है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर में, इस मिक्सचर में ये आपका क्या दिया हुआ है, एक कंप्रेशर है, ये क्या है, कंप्रेशर है, ठीक है। यानी अब क्या क्या आता है, इस मिक्सचर में By the help of this compressor, compressed air is introduced. ठीक है, इस compressor की help से हम क्या करते हैं, compressed air is introduced in this mixture.
इन दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर में क्या किया था, कंप्रेस्ड एयर को इंट्रोड्यूस किया था। अब जैसे ही कंप्रेस्ड एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेशर, इस कंप्रेसर के हेल्प से इस मिक्सचर में कंप्रेस्ड एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। यानी जैसे ही कंप्रेस्ड एयर इज इंट्रोड्यूस इन दिस मिक्सचर, देन फ्रोथ इज फॉर्म। तो क्या होता है, फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब फ्रोथ का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें सुटेबल वायर मौजूद है, और ये सुटेबल वायर होता ही है फ्रोथ क्रिएटिंग एजेंट, है ना, यानी फ्रोथ को फॉर्मेशन करने वाला, ठीक है। यानी ये क्या करता है, फ्रोथ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये फ्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। और ये जो आपका दिया हुआ इथाइल अल्कोहल क्रिसोल, ये क्या है, फ्रोथिंग स्टेबलाइजर है, जो क्या करता है, इस फ्रोथ के फॉर्मेशन को बहुत देर तक बनाए रखता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब काम क्या होता है, ये सोडियम इथाइल जैनथ्रेट जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, इसमें पाउडर डोर है, सल्फाइड डोर है, ये सल्फाइड डोर जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये जो आपका सुटेबल वायर है ये भी हाइड्रोफोबिक है, है ना। यानी ये सब जो दिया हुआ है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक। अब सोचिए, ये हाइड्रोफोबिक, तो निश्चित रूप से हाइड्रोफोबिक डिसोल्व इन हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब ये क्या करता है, सोडियम इथाइल जैनथ्रेट क्या करता है, ये क्या है, एक फ्रोथ कलेक्टर के रूप में काम करता है, जो क्या करता है, इन दोनों को आपस में चिपकाने का काम करता है, ये एक दूसरे से क्या करता है, अटैच हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर क्या, हाइड्रोफोबिक डिसोल्व इन हाइड्रोफोबिक, लाइक डिसोल्व लाइक, यानी ये जो आपका हाइड्रोफोबिक वायर में क्या होता है, ये आपका जो पाउडर ओर होता है, पाउडर ओर जो होता है वो क्या होता है, जाकर चिपक जाता है, ठीक है। क्योंकि ये भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दोनों एक दूसरे से क्या होता है, स्टिच कर जाता है, चिपक जाता है, ठीक। अब सोचिए, अब कह रहा है जैसे यहां पर फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है, कंप्रेस्ड एयर इज इंट्रोड्यूस इन दिस मिक्सचर, है ना, देन फ्रोथ इज फॉर्म। अब फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है, ये फ्रोथ का फॉर्मेशन क्या होता है, ऊपर की ओर हो जाता है ना, एक बार फ्रोथ का फॉर्मेशन होगा, फ्रोथ का फॉर्मेशन जो होगा होने के बाद क्या होगा, ये ऊपर की ओर मूव कर जाता है, ठीक। अब सोचिए, जब ये ऊपर की ओर मूव कर जाता है तो हम जानते हैं वॉल का डेंसिटी जो होता है वो वाटर का डेंसिटी से कम होता है, वॉल का डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ऑफ वॉल जो होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो जब वॉल का डेंसिटी अगर कम होगा तो ये क्या होगा, वॉल ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, और जब ये वॉल ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, हाँ, और चूंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ध्यान देना, इस कारण ये वाटर को रिपल्स भी कर देता है, ठीक है, इसी कारण ये ऊपर भी आता है। अब जैसे ही वॉल जो है हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण और लोअर डेंसिटी होने के कारण ये वाटर के ऊपर की ओर मूव करता है, इट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, ठीक। तो जैसे ही वाटर के ऊपर वॉल फ्लोट करने लगता है, इस वॉल से क्या स्टिच किया हुआ है, सल्फाइड डोर, क्योंकि ये भी हाइड्रोफोबिक नेचर है। तो ये वॉल जैसे ही इट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही फ्लोट करने लगता है, तो इस वॉल के साथ साथ जो होता है वो पाउडर ओर भी, यानी सल्फाइड ओर जो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, ये भी इससे क्या होता है, स्टिच रहता है, ठीक है। तो जब वाटर के ऊपर वॉल फ्लोट करने लगता है, तो वॉल के साथ साथ ये सल्फाइड ओर भी क्या होता है, स्टिच होकर ऊपर की ओर मूव कर जाता है, ठीक है, यानी ऊपर आ जाता है, ठीक है, इट मूव्स अप, है ना, ये ऊपर की ओर आ जाता है और वाटर के ऊपर ही फ्लोट करने लगता है, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, इस सल्फाइड ओर को बाहर की ओर निकाल लेते हैं, है ना, और बाद में क्या करते हैं, इसको ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है, बाद में इसको ड्राइव कर लेंगे। और जबकि इसमें कंटेनिंग इम्प्रिडिट जो होता है, जो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, वाटर अट्रैक्टिव होता है, ना, इट इज सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है, ये क्या होता है, बॉटम में सेटल डाउन कर जाता है, ठीक है। और इस तरह से एंड इन दिस वे वी कैन रिमूव आउट द हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर ओर, ठीक है, इस तरह से हम हाइड्रोफोबिक ओर को बाहर की ओर निकाल सकते हैं और हाइड्रोफिलिक इम्प्रिडिस और सेटल डाउन एट द बॉटम इन द टैंक, इट कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। इस तरह से हम हाइड्रोफोबिक ओर को कंसंट्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है, मतलब सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने का काम करते हैं। अब आप ये समझ चुके होंगे कि फ्रोथ फ्लोरेसेंस मेथड से हम सल्फाइड ओर को किस तरह से कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, हाँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।